लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बीजेपी विधायक गणेश नायक ने आज एरोली के मनपा अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। पूर्व मंत्री गणेश नायक ने इस ऑक्सीजन प्लांट के लिए 1 करोड़ की निधि प्रदान की, जिसके जरिए नवी मुंबई मनपा ने इसे स्थापित कराया है। इसका शुभारंभ करते हुए गणेश नायक ने विश्वास जताया कि बढ़ते कोरोना काल में यह प्लांट मरीजों की जान बचाने में मददगार बनेगा। देखिए रिपोर्ट। कोविडची लाट आज न उद्या संपणार आहे। ते 225 पेशंटना सातत्याने याचा पुरवठा होईल एवढी क्षमता या प्लांट। नवीन भाई ऐरोली के मनपा अस्पताल में आज से नए ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हो गया। बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने इसके लिए 1 करोड़ की विधायक निधि प्रदान की है, जिसके जरिए नवीन भाई महानगर पालिका ने इसे कोरोना मरीजों के उपचार के लिए स्थापित कराया है। पूर्व मंत्री विधायक गणेश नाइक ने आज इसका उद्घाटन किया। जाहिर है मनपा अस्पताल में इस ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने से ऐरोली, राबाले, दीघा, झोपड़पट्टी इलाकों के नागरिकों को उपचार में बड़ी मदद मिलने वाली है। इस ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करते हुए विधायक गणेश नाइक ने कहा कि ऐरोली में ऐसे आरोग्य सुविधाओं की जरूरत थी। 1,35,00,000 की लागत से तैयार हुए इस ऑक्सीजन प्लांट के लिए खुद 1 करोड़ की निधि देने वाले विधायक गणेश नाइक ने विश्वास जताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह प्लांट जहाँ नवीनबईकरों की जान बचाने में मददगार होगा, वहीं दूसरे हॉस्पिटलों को भी ऑक्सीजन सप्लाई करने में मदद मिलेगी। उन्होंने मनपा अधिकारियों की सक्रियता की भी सराहना की। आमदार स्थानिक आमदार निधीमधून 1 कोटी रुपये दिला गेला। ही लाट संपल्यानंतर इथल्या हॉस्पिटलसाठी इथून कनेक्शन तर मिळेलच डायरेक्ट, परंतु ह्याच्यातून सिलेंडर भरून अन्य आजूबाजूच्या हॉस्पिटलला त्याचा उपयोग होईल आणि इमर्जन्सी भविष्यकाळामध्ये असा संकट आलं तर त्याचा मुकाबला करण्याकरता हा प्लांट अतिशय अप टू डेट ठेवण्याची गरज आहे। आणि तशा प्रकारच्या सूचना मी सिटी इंजिनियर आणि उपायुक्त यांना दिलेल्या आहेत आणि वेळोवेळी आपले सगळे इथले कार्यकर्तेसुद्धा त्या प्रशासनाशी सुसंवाद ठेवून त्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी कार्यान्वित ठेवण्याचा प्रयत्न करतील। जर व्हेंटिलेटरवर पेशंट असतील तर 200 ते 225 पेशंटना सातत्यानं याचा पुरवठा होईल एवढी क्षमता या प्लांटची आहे। आता ऐरोली नुसतं नाही तर दिघा, ऐरोली, रबाला ह्या कॉलनीचा परिसर आणि आपल्या त्या ठिकाणी आपण झोपटी वस्ती म्हणतो आपण, त्या वस्तीला सुद्धा त्याचा उपयोग होणार आहे आणि गावांना सुद्धा त्याचा वापर होणार। इस अवसर पर एक सवाल के जवाब में पूर्व मंत्री विधायक गणेश नाइक ने कहा कि उनका प्रयास नवीनबईकरों को बेहतर सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराना है और जनता इन्हीं कारणों से उन्हें सदैव साथ देती रही है। गणेश नाइक ने कहा कि 1995 में जब 4.5 लाख की आबादी थी तब संजीव नाइक को महापौर बनाया और जब 14 लाख की आबादी थी जयवंत सुतार मेयर बने। नवीन भाई की जनता ने उन्हें सदैव बहुमत दिया है और आगे भी उन्हें सत्ता दिलाएगी। नवीन भाई की सुजान जनता 1995 सालापासून कमी जास्त प्रमाणामध्ये गणेश नाइक सारख्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याच्या विचारावर राहिली। तिने गणेश नाइकाच्या विचाराला शक्ती दिली। 4.5 लाख वस्ती असताना संजू नाइक महापौर झाले, 14.5 लाख वस्ती झाली जयवंत सुतार महापौर झाले, 10 लाखाची वस्ती वाढली तरीसुद्धा लोकांचा रोख आणि लोकांचं मन बदललेलं नाही, लोकांचं मन तसंच राहिलं। भविष्यकालामध्ये सुद्धा ही वस्ती 30 लाखाची झाली तरीसुद्धा जी विचारसरणी गणेश नाईकची नाही, जी विचारसरणी आम्ही अंगीकारली त्या विचारसरणीच्या बरोबर नवीन मुंबईची जनता राहील, हा माझा विश्वास आहे। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।